कांग्रेस में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम जो डेलीगेट्स है इस वक्त कांग्रेस भवन में मौजूद है। झारखंड में 319 डेलीगेट्स है और खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। एक बार हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पूरा रूम है ये पूरा भरा हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी मौजूद हैं। सर, ढाई दशक के बाद इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, सर क्या कुछ इस बार बदलाव होगा कि चूंकि 25 साल के बाद हो रहा है? नहीं नहीं, देखिए बीच में जो जब जरूरत हुआ इस बार दो उम्मीदवार खड़े हो गए, वोटिंग होना था लोकतंत्र में और दोनों उम्मीदवार को यहाँ पर जो हमारे झारखंड में 319 डेलीगेट हैं वो वोट करेंगे और निष्पक्ष भावना से वोट कर रहे हैं, जिसका विवेक में जो अच्छा लगता है वही वोट कर रहे हैं और दोनों में से चुनकर जो भी आते हैं वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। सर, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आएंगे वो कठपुतली ही होंगे। देखिए बीजेपी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा यहाँ लोकतंत्र कायम है ये बात को हम लोग दिखाने के काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि बादल पत्रलेख भी मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार चूंकि ढाई दशक के बाद चुनाव होना है हो रहा है, कैसा लग रहा है? सर, ढाई दशक के बाद चुनाव है, सर क्या कुछ बदलाव होने वाला है इस बार, जो भी नया चेहरा देख रहे हैं कि राहुल जी सड़क पर है, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं और एक तरफ राज्य के मुख्यालयों में पंचायत ब्लॉक से चुनकर डेलीगेट्स इस उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। ये आपको दिख नहीं रहा कि हम पुराने दिनों की ओर लौट रहे हैं, वापसी कर रहे हैं? मतलब सर कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने की दिशा में है, आप देख लीजिए ना, नेतृत्व सड़क पर है, संगठन किस तरह की कवायद कर रहा है, तो ये पुराने दिनों की ओर की संकेत है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं और लगातार देशवासियों को संदेश दे रहे हैं। इनका कहना है कि ये जरूर ये संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से पुरानी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पहले जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत संगठन था, लोगों के समक्ष आया करता था, इनका कहना है इस बार भी कांग्रेस मजबूती के साथ लोगों के समक्ष आएगी। एक बार पूरी तस्वीर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने यहाँ पर आकर वोटिंग की है और कहीं ना कहीं तमाम जो डेलीगेट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है कि जो भी इस बार आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो ज़रूर संगठन को बहुत आगे लेकर